दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे इस प्यारे से बगिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया और अपना प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे फूल वाले पौधे लगे रहते हैं, चाहे वो गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, जरबेरा हो गया, कुंदन हो गया, पिटूनिया हो गया, उन सभी में हम अलग अलग फर्टिलाइजर डालते हैं। लेकिन आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी उन सभी पौधों के लिए एक ही खाद डालना है, और वो कौन सा खाद है, कैसे डालना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर वो खाद आप अपने सभी पौधे में डालेंगे तो आपका फूल भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलेगा और जो पौधे की रुकी हुई ग्रोथ है वो भी बढ़ने लग जाएगी। दोस्तों, कोई सा भी प्लांट लगाने से पहले उसकी तैयारी कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हम लोग नर्सरी में पहले से ही उसकी मिट्टी तैयार करते हैं, उसके बाद ही प्लांट को लगाते हैं। तो ये देखिए, ये सारे हमारे गेंदे के पौधे हैं। कोई सा भी पौधा लगाने से पहले दोस्तों, आपको ऐसी काली मिट्टी ले लेनी है और उसमें सारा मटेरियल मिला लेना है, भूसा, गोबर खाद और थोड़ा सा रेती भी मिला सकते हो, और उसके बाद ही अपने प्लांट को लगाना चाहिए। और जो मिट्टी आपके गमले में लगी रहती है दोस्तों, उसे आपको चेक कर लेना है कि आपके गमले में ऐसे पौधा लगा हुआ है, उसकी आपको हमेशा गुड़ाई करते रहना चाहिए। गुड़ाई करने से दोस्तों क्या रहता है, ये मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है और जड़ में अच्छे से हवा लग जाती है। लोग ये छोटे प्लांट लगाते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग ऊपर से ही गुड़ाई करते रहते हैं। गुड़ाई करने से पौधा अच्छे से बढ़ता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए पौधे की गुड़ाई करते ही रहना चाहिए। जैसे दोस्तों आपका ये जो फूल खराब हो जाता है तो आप लोग ऐसे ही छोड़ देते हो, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसको देखिए, यहाँ से आपको ऐसे काट के निकाल लेना चाहिए। अगर ये सूखा हुआ फूल हम पौधे में छोड़ देते हैं तो ये जल्दी फूल भी नहीं खिल पाता है और वहीं रुक सजाता है, इसलिए हम लोग जो भी फूल सूख जाता है दोस्तों उसको हम लोग काट के निकालते ही रहते हैं। आपको भी अपने जितने भी गुलाब के पौधे हैं, गुड़हल के पौधे हैं, उन सभी में आपको ऐसे सूखा हुआ फूल काट कर निकाल देना है, ताकि जो हम कटिंग किए हैं उसमें ऐसे नया फूल भी आ सके और बहुत सारी ऐसे कलियाँ भी आ सके। और ठंडी के दिनों में तो दोस्तों पौधों में पानी बिल्कुल भी कम डालना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा पौधा गलने लगता है और सूखने भी लगता है, इसलिए पानी का खास ध्यान अपने पौधों में रखना चाहिए। और जितने भी फूल वाले पौधे रहते हैं या फिर शो वाले पौधे रहते हैं, उनमें समय समय पर खाद और दवाई का स्प्रे करते ही रहना चाहिए, तब जाकर हमारे पौधे में फूल अच्छे से खिल पाता है। इसलिए समय समय पर पौधों में कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो पौधा फूल देना बंद कर देता है और उसकी ग्रोथ भी रुक सी जाती है। और कभी भी पौधे को पुरानी मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। अगर पुरानी मिट्टी में हम लगाएंगे तो हमारा पौधा अच्छे से बढ़ नहीं पाता है और ना ही अच्छे से ग्रोथ कर पाता है, इसलिए पौधे के लिए हमेशा नई मिट्टी तैयार करके ही लगाना चाहिए, तभी जाकर वो अच्छे से बढ़ पाता है। किसी भी पौधे की दोस्तों अगर मिट्टी पुरानी हो जाती है तो हम लोग उसे नए मिट्टी में लगा देते हैं। ये देखिए, ये मैंने कल ही इन सभी प्लांट की मिट्टी को चेंज किया है और इसे नए मिट्टी में लगाया है। आप भी अपने गमलों की मिट्टी चेक करेंगे और उसका तुरंत रिपोर्टिंग कर देंगे और उसे नए मिट्टी में लगा देंगे। फर्टिलाइजर बनाने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले देखिए ये चीज़ ले लेना है, राख। अगर आपको घर में नहीं मिलता है तो आप किसी ढाबे से भी 10-20 रुपए देकर राख खरीद सकते हो।
राख में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में पौधों में बीमारी रोकने की क्षमता रहती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं जो पौधे को बीमारी लगने से रोकते हैं, इसलिए राख का यूज़ किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये रीठा पाउडर है। रीठा पाउडर में बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स रहता है और फास्फोरस रहता है, जो पौधे में बीमारी लगने से भी रोकता है और पौधे की जड़ का विकास भी करता है अच्छे से और पौधे को हमेशा हरा भरा बनाए रखता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है प्लांट में। तो इसे भी आपको ले लेना है। और इसमें एक चीज़ और मिलाना है, ये देखिए दोस्तों, ये मस्टर्ड केक है, एकदम सूखा वाला मस्टर्ड केक आपको ले लेना है। और कितनी क्वांटिटी में मिलाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों एक कटोरी के हिसाब से आपको राख ले लेना है और उसमें दोस्तों 2 चम्मच के हिसाब से आपको रीठा पाउडर मिला देना है। और ये मस्टर्ड केक बहुत ही कम मात्रा में लेना है दोस्तों, इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। और इसको आपको पौधा अगर ज़्यादा है तो आप उसी के हिसाब से ले सकते हो, लेकिन अभी मैं 2 चम्मच के हिसाब से मिला दे रही हूँ, थोड़ा सा मिला के आपको बता दे रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा प्लांट में डालना है तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में मिलाना होगा। ये आपका हो गया, ये पूरा आपका मिल गया है। और कितने दिन में डालना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं डालते हैं, ज़्यादा डालोगे तो आपका पौधा भी सूखने लगता है। इस क्वांटिटी के हिसाब से डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है दोस्तों। जो पौधे में बीमारी लग जाती है, पत्ता पीला पड़ने लगता है, झड़ने लगता है और सिकुड़ भी जाता है, उसके लिए मैं आपको एक फर्टिलाइज़र बताऊंगी, जिसका आप स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे में एक भी बीमारी नहीं आएगी और ना ही उसमें चींटी लगेगी और ना ही उसमें फफूंदी लगेगी। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, आपको ऐसे 1 लीटर पानी ले लेना है, 1 लीटर पानी आपको लेना है। और ये रीठा पाउडर दोस्तों ये अलग से लेना है, वो फर्टिलाइज़र वाला नहीं लेना है जिसमें हमने सरसों खली मिलाया हुआ है। और इसको दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के हिसाब से इसमें डाल लेना है और मिला लेना है। और कम से कम इसे दोस्तों आपको 12 घंटे के लिए ऐसे ही ढक कर रखना है, उसके बाद ही अपने प्लांट में स्प्रे करना है। अगर हम इस स्प्रे को तुरंत डालेंगे तो हमें अच्छा रिस्पांस भी नहीं मिलेगा और कीड़े भी नहीं मरेंगे। इसको कम से कम 12 घंटे के बाद ही डालना चाहिए और हमेशा धूप में ही डालना चाहिए। और कितने दिन में डालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले फर्टिलाइजर हम अपने प्लांट में डालेंगे। इस फर्टिलाइजर को दोस्तों थोड़ा सा लेना है और अपने जितने भी फूल वाले पौधे हैं उसमें जड़ से थोड़ा दूर करके डालना है, एकदम जड़ के पास नहीं डालेंगे। जड़ के पास दोस्तों डालेंगे तो पौधे को हमारा नुकसान भी पहुंच सकता है। हम लोग नर्सरी में यहाँ ये वाला फर्टिलाइज़र डालते ही रहते हैं, जिसके कारण हमारा फूल ज़्यादा क्वांटिटी में खिलता रहता है। आप भी यही वाला फर्टिलाइज़र अपने सभी प्लांट में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलाइए। और इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों आप हर एक 10 दिन में अपने सभी प्लांट में डालेंगे तो आपके प्लांट में फूल भी ज़्यादा खिलेगा और जो उसका ग्रोथ रुक गया है दोस्तों वो भी ग्रोथ अच्छे से बढ़ेगा। इस आप सवेरे डालेंगे और शाम को पानी डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों आप स्टॉक करके भी रख सकते हो और बहुत लंबे समय तक अपने प्लांट में डाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है दोस्तों और आपके हर एक पौधे में ये फर्टिलाइज़र काम आता है। और इस स्प्रे को दोस्तों जिस दिन भी डालना होगा उस दिन आप अपने गमले में पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और 2 से 3 घंटे बाद ही अपने पौधों में पानी डालेंगे, तभी आपके पौधे का जो कीड़ा रहता है, फफूंदी रहता है, वो अच्छे से मरेगा भी और पौधा भी अच्छा रहेगा। इस स्प्रे को दोस्तों आपको हफ्ते में एक बार अपने जितने भी फूल वाले पौधे हैं उन सभी में डालना है और लगातार डालोगे तो आपके पौधे में कोई बीमारी आएगा ही नहीं और पौधा अच्छे से फूल भी देगा।
दोस्तों आप यही वाला फर्टिलाइजर अपने सभी फूल वाले पौधे में डालिएगा तो आपको 100% इसका रिस्पांस देखने को मिलेगा और फूल वाले पौधे में अच्छे से ग्रोथ भी होगी और उसमें बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। और दोस्तों आपको किसी खाद दवाई के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए तरीके के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।